पंचायत चुनाव के बाद वार्ड सदस्य अब आवाज उठाना शुरू कर चुके हैं। अधिकार नहीं मिल पा रहा है, सम्मान नहीं मिल पा रहा है, कोई काम नहीं मिल पा रहा है। अलबत्ता ताने जरूर पब्लिक का सुनने को मिल रहा है। वार्ड ठगे हुए महसूस कर रहे हैं, हमें किस लिए सरकार ने बनाया है। लेकिन इसी बीच एक खुशखबरी वार्ड सदस्यों के लिए आया कि 15 अगस्त से 75वीं आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक खास अधिकार वार्ड सदस्यों को मिलने जा रहा है, और उस अधिकार के साथ साथ अन्य अधिकार भी 15 अगस्त के बाद शुरू होने वाले हैं। 15 अगस्त तक ही दिन हर वार्ड सदस्य को अपने वार्ड क्षेत्र में झंडोत्तोलन करने का अधिकार मिला है। नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और मेरे साथ हैं अभय कुमार। हमेशा आप लोग की मांग रहती है कि आप लोग दोनों आकर बताएं, तो फिर से हम लोग उपस्थित हो गए हैं। और फेक जो कहते हैं कि फेक खबर चलाते हैं, तो उनको भाई हम नमस्कार प्रणाम भी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल प्रणाम। कि मैं ना तो फेक के करीब जाता हूँ, ना फेक दिखाता हूँ, ना फेक बोलता हूँ। आपको जो कमेंट में लिखना है लिखते रहिए, और जो हमारे विश्वासी दर्शक हैं वह देखते रहेंगे, वो हमसे कभी दूर नहीं जाएंगे। क्योंकि जो खबर हम बताते हैं सरकार के द्वारा, पंचायती राज विभाग के द्वारा जो पत्र निकाले जाते हैं, जो हमें बयान मिलता है, उसके आधार पर चलाते हैं। योजना भले ही आज निकले, वो आपके यहाँ 2 महीना बाद पहुँचे, तो उसी को आप फेक कहते हैं। अब ऐसा नहीं कि हम बोल दिए तुरंत आपके यहाँ योजना कार्यान्वित हो जाए, तो ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन फेक न्यूज हम लोग चलाते नहीं हैं। बात मुद्दे की करते हैं कि वार्ड सदस्य अब जो है आंदोलन के मूड में है भाई। बिल्कुल, और आंदोलन के मूड में सिर्फ इसलिए हैं, वो भी जायज पे हैं, कि सरकार चुनाव के 6 महीना बीत गया, उसके बाद सरकार जो पुराने वार्ड चयन समिति है उससे अधिकार कहीं कहीं नहीं ले पाए हैं। बहुत जगह तो नल जल योजना इस चलते बंद है, तो उसके पीछे कारण लिखा हुआ है। वही मैं दर्शकों को भी बता दूं कि जो भी चीज़ है ना वो नेट पर उपलब्ध है, देख भी लीजिएगा, कोई फेक नहीं होता है। कारण में अभियुक्ति में लिखा हुआ है कि पुराने वार्ड चयन समिति ने प्रभार नहीं दिया। और दूसरी बात, जो पैसे आना है वार्ड चयन समिति में, तो उसके लिए सरकार कह रही है कि पहले खाता खोलवाइए, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के गठन करवाइए और खाता खोलवाइए। तो खाता खोलवाने के लिए आपको क्या होना चाहिए, पहले गठन होना चाहिए, और गठन होने के बाद जो पुराने वाला जो है, इसमें दोषी वार्ड सदस्य नहीं ना है सर। नहीं, आपके जिला में जिलाधिकारी हैं, प्रखंड अधिकारी हैं, तो आपको रिपोर्ट लेना रहता है तो 24 घंटा के अंदर में मिल जाता है, और बार बार आप पत्र दे रहे हैं, रिमाइंडर कर रहे हैं, और हर जगह गठन नहीं हो पा रहा है। सचिव का चुनाव ही नहीं करवा पाए हैं। नहीं, पर वही कह रहे हैं कि सचिव का चुनाव नहीं हो पाया, प्रबंधन समिति का गठन नहीं हो पाया, तो इसमें अधिकारी दोषी हैं, वो कड़ी से पेश नहीं आ रहे हैं, और नहीं तो गठन तो हो जाता, और इसी के कारण आपने पैसा रोक दिया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मुद्दे की बात करते हैं कि इस बार 15 अगस्त को जो है आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर पूरे भारत में कह सकते हैं, और बिहार में पंचायती राज विभाग के द्वारा पत्र भी जारी किया गया है कि हर वार्ड में वार्ड सदस्य के द्वारा झंडोत्तोलन कराया जाएगा। तो अब हमें हमसे आपसे जानना चाहते हैं, आपके पास में पत्र उपलब्ध हैं, कि यह पत्र पंचायती राज विभाग के किस अधिकारी के द्वारा निकाला गया है? ये पत्र जो है, जो मुख्य सचिव है, प्रधान सचिव मिहिर कुमार सिंह के द्वारा निकाला गया है। और अगर आप हम कहेंगे तो इसका पत्रांक दिनांक सब बता देंगे। नहीं, तो वो बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो जिला पदाधिकारी के नाम से प्रेषित हुआ पत्र होगा। सभी जिला पदाधिकारियों को भेजा गया है। हाँ। जिला पदाधिकारी सारे प्रखंड विकास पंचायती राज पदाधिकारियों को भेजे हैं। और यह पत्र सिर्फ 15 अगस्त को लेकर नहीं है, ये 13 अगस्त से लेके पूरी तैयारी, 15 अगस्त, 13 और 14 अगस्त, यानी कि तैयारी को लेकर भी मैंने कहा। हाँ, यानी कि पूरे पंचायत में वार्ड में 13 तारीख से ही तैयारी शुरू हो जाएगी। 13 से 14 तक विशेष ग्राम सभा का आयोजन होना है, मैंने बताना है लोगों को। हाँ, विशेष ग्राम सभा का आयोजन, जिसमें पंचायत से संबंधित सभी चयनित सदस्य, सरकारी कर्मी तथा संविदा कर्मी उपलब्ध रहेंगे। इस ग्राम सभा में भारत के आजादी की लड़ाई के विभिन्न पहलुओं का उल्लेख करते हुए बौद्धिक भी वहाँ चलेगा। बिल्कुल। और स्थानीय स्वतंत्रता सेनानियों का, अगर स्थानीय कुछ स्वतंत्रता सेनानी है, अमृत महोत्सव, हाँ, उनके कार्यों पर प्रकाश डाला जाए। और विशेष ग्राम सभा में पंचायत के द्वारा लिए गए संकल्प
SDG के आलोक में उपलब्ध निधि के आधार पर योजनाओं का चयन किया जाएगा। योजनाओं का चयन उस ग्राम सभा में किया जाएगा, यानी कि पूर्ण रूपेण आपको पब्लिक में इस बात को ला देना है और उसके बाद में 15 अगस्त को, है ना, 15 अगस्त अभी तो 13-14 कहीं तैयारी बहुत ज्यादा है, 13, 14 और 15 अगस्त को ध्वज संहिता 2022 के नियमों का पालन करते हुए ग्राम पंचायत भवन एवं सभी वार्डों में एक एक सरकारी भवन तथा सामुदायिक भवन पर हर घर नल जल योजना के अंतर्गत बने पानी टंकी, मनरेगा भवन इत्यादि पर राष्ट्रीय झंडा का झंडोत्तोलन किया जाए। हर जगह ग्राम पंचायत भवन में झंडोत्तोलन स्थानीय पंचायत के मुखिया करेंगे, जबकि सभी वार्डों में वार्ड सदस्य झंडोत्तोलन करेंगे, यानी कि पंचायत भवन में मुखिया जी करेंगे जी, और अपने अपने वार्ड में वार्ड सदस्य करेंगे जी। हाँ, अब कहाँ करेंगे, नहीं कोई अगर सरकारी भवन है तो वहाँ करेंगे, जहाँ मनरेगा भवन बना हुआ है वहाँ करेंगे, मैंने कहीं ना कहीं वार्ड आपको करना है, करने हैं। अब इस झंडे का उपयोग उसी प्रकार सभी महत्वपूर्ण राष्ट्रपति दिवसों तथा गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस इत्यादि पर किया जा सकता है। मात्र इस पर ध्यान रखना है कि झंडा अधिनियम के अनुसार उसका सम्मान रखते हुए झंडोत्तोलन किया जाए और सूर्यास्त पूर्व उतार कर रख दिया जाए। लेकिन झंडा से पहले हर बार उसका मतलब हर राष्ट्रीय पर्व पर उपयोग किया जा सके। हाँ, यानी कि एक कह सकते हैं सर, वो तो चिट्ठी में है ही, कह सकते हैं कि इस बार जो है वार्ड सदस्यों को झंडोत्तोलन करने का एक बड़ा अधिकार मिल गया है। जी, जी, जी। जो मुखिया जी केवल फहराते थे और वार्ड सदस्य केवल खड़े रहते थे, सम्मान करते थे झंडे का, इसमें बहुत जीविका लोग को भी जोड़ा जाए। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब बात ऐसी कि झंडा राष्ट्रीय मानक के अनुसार, ध्वज अधिनियम के अनुसार झंडा की बात कही जा रही है, तो वार्ड सदस्यों के सामने सबसे बड़ी जो चीज है कि वो उपलब्ध कहाँ होगा। खादी भंडार उतनी झंडे का आपूर्ति नहीं कर पाता है, तो अब पहले नियम भी यह था कि जो भी झंडा बिकेगा खादी भंडार नहीं बिकेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है। झंडे के क्रय के लिए स्थानीय जीविका संगठनों को प्राथमिकता दी जा सकती है और राज्य स्तर पर उन्हें प्रेरित किया गया है कि समुचित संख्या में उत्पादन किया जाए। जीविका के द्वारा झंडे के विभिन्न आकार में यथा मैंने 20x30 या फिर 16x24 इंची, 6x9 इंची में भुगतान के आधार पर उपलब्ध कराया जाएगा, उनको पैसा देकर आपको झंडे का साइज भी बता दिया गया है और यहाँ नहीं राशि भी निर्धारित किया गया। तो झंडोत्तोलन कार्य पंचायत द्वारा छठे राग वित्त आयोग के सामान्य निधि से किया जा सकता है, छठे वित्त के राशि से किया जा सकता है। प्रत्येक पंचायत और उसके वार्डो के लिए अधिकतम 1000 रुपये की राशि निर्धारित की गई है। यह ऐसा नहीं है कि आप पंचायत में आप मतलब 10,000 खर्चा कर देगा वार्ड में 1,000, नहीं 1000 रुपया पंचायत मुखिया जी को भी तो 1000 रुपया वार्ड सदस्य को भी, हाँ बराबर राशि। अभी तो वार्ड के खाते में पैसे आए नहीं है, वार्ड के खाता नहीं खुल पाया है। छठे राज्य वित्त आयोग जो पंचायत की निधि है वहाँ से मुखिया जी देंगे। और झंडोत्तोलन का जो कार्यक्रम रखा, बहुत बड़ा सम्मान मिलने वाला है वार्ड सदस्यों को और यह सम्मान अब लगातार जारी रहे। यानी कहने का मतलब कि 15 अगस्त आपके लिए एक बहुत सुनहरा अवसर आ रहा है, उस दिन के बाद से आपको जो भी अधिकार है मिलेगा, समझिए कि स्वतंत्र हो जाइएगा। और जहाँ पर आपको लगता है कि वहाँ मेरा मान सम्मान या अधिकार नहीं मिल रहा है, तो आपके पास में पुस्तक भी मिल गया है, पुस्तक का अध्ययन कीजिए और अपने लिए बात को उठाइए। आपको घर बैठे थोड़ी अधिकार मिल जाएगा, घर बैठे अधिकार नहीं मिलने वाला है। और देखिए, आपको तो अधिकार मिलना ही है, लेकिन देर हो रहा है। तो कहा जाता है कि जब बच्चा जब रोता है तभी उसको माँ भी दूध पिलाती है। बिल्कुल, आपको अधिकार, जैसे सरकारी धीर शिथिलता से चल रहा है कि हाँ आएगा, पैसे भेजे जाएंगे 15वें वित्त के अलग से करेगा, वार्ड सदस्यों के लिए ये होगा, बहुत तरह की बात घोषणाएं की गई है और घोषणाएं का ये नहीं करें, घोषणा की गई है तो घोषणाओं का क्रियान्वयन के लिए मसौदा भी तैयार हो रहा है, लेकिन उसको तेजी से करवाने के लिए आपको थोड़ा तो जागरूक होना पड़ेगा, आगे तो आना पड़ेगा। बिल्कुल आना पड़ेगा। और उसके लिए वार्ड के प्रदेश समिति, कुछ वार्ड सदस्य कई पंचायतों में, कई प्रखंडों में
एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किए हैं, लेकिन अभी पूरे बिहार में इस तरह का कोई आंदोलन नजर नहीं आ रहा है। लेकिन लोग मूवमेंट बना रहे हैं, उस तरह के बना रहे हैं, प्लानिंग में मूड में हैं कि राज्य स्तर पर एक बड़ा आंदोलन की तैयारी। तो फिर आप आंदोलन कीजिए तो हमें भी सूचना दीजिए, आप हम आपके बीच होंगे, हम आपके बीच जरूर होंगे। आप जहाँ भी आंदोलन करते हैं, पटना के धरती पर करते हैं या फिर अपने स्थानीय, तो कुछ दिन पहले पूर्व सूचना दें, कुछ दिन पहले पूर्व सूचना दें। जिस प्रकार से आप अनुमति धरना प्रदर्शन करने के लिए लेते हैं, उसी अनुमति पत्र को मिलने के बाद हम लोग के पास में शेयर करें, शेयर कीजिए। हम आपके बीच में रहेंगे, आपके लिए मुद्दे को उठाएंगे, आपकी बातों को उठाएंगे, सरकार तक पहुँचाने का काम करेंगे। तो फिर तो अब हम इसी जानकारी के साथ आज़ादी के पूर्व सप्ताह पर कहिए, आज़ादी भी अब स्वतंत्रता दिवस आई नहीं है, लेकिन उसकी एडवांस में शुभकामनाएँ देते हुए और आपको बधाई देते हुए कि आपको बहुत बड़ा अधिकार मिल रहा है, अब हम यहीं से हम आप लोगों से विदा लेना चाहेंगे। लेकिन एक बात कहेंगे सभी वार्ड सदस्य महोदय से कि आप हमें ताकत दीजिए, हम आपको ताकत देंगे। अब जितने लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब जो जानकारी आने वाली है इस चैनल पर पूरा टीम तैयार हो गया है, पटना से लेकर पटना में जहां आपका कार्यालय है ग्रामीण विकास विभाग का और पंचायती राज विभाग का, वहां से सारे जानकारी आप कहिएगा तो आपके लिए चैनल पर मंत्री को भी खड़ा करेंगे, सचिव को भी खड़ा करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको ताकत देना होगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक जमकर कीजिएगा, कॉमेंट भी जमकर कीजिएगा, ताकि इसका रीच बढ़े। तो सुनील आप दर्शकों से विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।